हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आईआईटी सैम 2023 का ऑफिशियल वेबसाइट में एक और बार करेक्शन विंडो ओपन हो गया है। इसका मतलब आप अपना पर्सनल डेटा कैटेगरी पीडब्ल्यूडी स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से कैंडिडेट पोर्टल पे लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ आप कौन कौन सा डेटा को चेंज कर सकते हैं, उस चेंज करने के लिए आपको कितना पैसा पेमेंट करना होगा आईआईटी को। तो अगर आप कैंडिडेट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखने को मिलेगा, चेंज जीसीपी और चेंज अदर डिटेल्स। जीसीपी का मतलब जेंडर, कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी स्टेटस, और अदर डिटेल्स पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, कॉलेज नेम, ईयर ऑफ पासिंग और कम्युनिकेशन एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज जीसीपी पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा नोट दिखने को मिलेगा, उस नोट को अच्छे से पढ़ लेना। एप्लीकेंट मस्ट पे 900 और 1250 डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पेपर इन केस ऑफ जेंडर चेंज फ्रॉम फीमेल टू मेल और अदर। मेल अदर एप्लीकेंट मस्ट पे 900 और 1215 डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पेपर इन केस चेंज कैटेगरी फ्रॉम एससी एसटी टू जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस। If you change category gender PWD status, then the difference fee INR 300 will be applicable. इसका मतलब आपको जेंडर चेंज करने के लिए 900 रुपीस पेमेंट करना पड़ेगा फॉर वन पेपर, और दोनों पेपर के लिए 1215 रुपीस पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह आपको कैटेगरी चेंज करने के लिए 900 रुपीस पेमेंट करना पड़ेगा फॉर वन पेपर, और दोनों पेपर के लिए 1215 रुपीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर जेंडर को चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं और पीडब्ल्यूडी स्टेटस को चेंज करके सबमिट कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चेंज अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए एडिट द नेसेसरी फील्ड्स करके चेंज हो जाएगा। आप अपना नेम को चेंज कर सकते हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं, पेरेंट नेम को चेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं, और कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम चेंज कर सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग को भी चेंज कर सकते हैं। देन सबमिट कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा।